हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ न्यू रेसिपी जिसका नाम है मूंगफली का मिठाई, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और इसका जो भी इंग्रेडिएंट्स होता है वो बहुत कम यूज होता है और बनाने में भी टाइम बिल्कुल कम लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मूंगफली का मिठाई बनाना शुरू करते हैं। मूँगफली का मिठाई बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई को हमने गैस पर रख दिया है, गैस को हमने ऑन कर दिया है और कढ़ाई जो है हमारा वो हीट हो चुका है। अब मैं इसमें फली डालूँगी। गैस को हाई फ्लेम पे ही रखना है। और इसको कंटिन्यू चलाते ही रहना ऐसे ही, और तब तक इसको सीखना है जब तक ये इसका कलर ना चेंज हो जाए, इसका छिलका ना छोड़ने लगे ऊपर से। मूंगफली का जो कलर था वो चेंज हो चुका है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। इसको दूसरे बर्तन में निकाल कर रूम टेम्परेचर में रखूंगी ठंडा होने के लिए। अब हमें सूजी को सेकना है, तो मैंने यहाँ पे एक चम्मच घी लिया है बड़े वाले चम्मच से। अब मैं इसमें सूजी लिया हमने, तो सूजी को हम इसमें ऐड कर देंगे। सूजी हमारा जो है वो सीख चुका है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इसको दूसरे बर्तन में निकाल दूंगी और इसको रूम टेम्परेचर में ही रखना है ठंडा होने के लिए। फली जो ठंडा हो गया है, इसको हमने अच्छे से साफ कर लिया। अब मैं इसको मिक्सी में अच्छे से पीसूंगी। देखिए, इसको हमने अच्छे से पीस लिया है, बिल्कुल बारीक हुआ है। हमने यहाँ पे कढ़ाई लिया। अब मैं इसमें 1 बाउल पानी डालूंगी। और हमने जिस बाउल से पानी डाला उसी बाउल से हमें 1 बाउल शक्कर भी डालना है। अब मैं गैस को हाई फ्लेम पे कर दूंगी और इसको कंटिन्यू चलाते ही रहना ऐसे ही। हमें शक्कर कम लग रहा है तो मैं इसमें और देखिए चाशनी जो है वो हल्का सा गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी। ये हमने इलायची डाल दिया। अब इसको कंटिन्यू चलाते ही रहना है। हमारी चाशनी में उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें मैदा ऐड करूँगी। मैदा जो है हमारा वो 2 चम्मच के लगभग है। ये जो हमने फली को पीसा था उसको भी डाल दूंगी।
ये सूजी है, इसको भी इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई गठान नहीं रहना चाहिए। गैस को हमने मीडियम फ्लेम पे कर दिया है, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। देखिए इसमें के जितने भी गिठलियाँ थी वो टूट चुके, अब मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड करूँगी। देखिए 2 चम्मच ये ऐड करना है। मिठाई जो है हो चुका है, अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। हम जिस प्लेट में निकालेंगे उसमें हमने घी लगा लिया है कि मिठाई जो है नीचे चिपके नहीं। अब मैं इसको रूम टेम्परेचर पे रख दूंगी ठंडा होने के लिए। और मिठाई जो है वो ठंडा हो चुका है, अब मैं इसमें से थोड़ा सा मिठाई निकाल लूँगी। अब मैं इसमें फूड कलर ऐड करूँगी। ये ड्राई फ्रूट्स है, इसको भी ऐड कर दूंगी। नारियल का भूरा ये पूरा ऐड नहीं करूंगी, जितना हमें चाहिए उतना ही ऐड करूंगी। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब मैं इसको पन्नी से कवर करके इसको बेलन से बेल दूंगी, बिल्कुल रोटी के साइज में ही बेलना है। अब मैं पन्नी को निकाल दूंगी। ये जो हमने उस टाइम मिठाई निकाला था ना वही है, तो इसमें हमने कुछ फूड ड्राई फ्रूट्स और फूड कलर भी डाल दिया है। अब इसको हम रोल कर देंगे ऐसे में। अब हम इसको पन्नी में रैप करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। एक घंटा कंप्लीट हो गया, इसको हमने फ्रीज से बाहर निकाल लिया है और ये देखिए कितना हार्ड हो गया है। अब मैं इसको पन्नी में से निकाल लूँगी। देखिए ये कितना हार्ड हुआ है।
ये जो हमने सिल्वर पेपर लिया है इसको मैं अब इस पे चिपकाऊंगी। देखिए इस पे हमने सिल्वर पेपर लगा दिया और ये कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इसके छोटे छोटे पीसेस काट लूंगी। देखिए मैंने छोटे छोटे इसका पीसेस काट लिया है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।